केंद्रीय महिला एवं बाल विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को अपने आवास पर संसदीय क्षेत्र के मुस्लिम समाज के आए हुए हजारों लोगों से मुलाकात की। स्मृति ईरानी से मिल जहां मुस्लिम समाज के लोग गदगद दिखे, वहीं सभी ने एक स्वर से मोदी व योगी सरकार की नीतियों के साथ ही अमेठी में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए हुए कार्यों के लिए स्मृति ईरानी की तारीफ किया। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि स्मृति ईरानी पिछले चार दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और आवास पर बूथ अध्यक्ष व शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बैठक करने के साथ सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात किया। रविवार को आवास पर पूरे संसदीय क्षेत्र से मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और स्मृति ईरानी से मुलाकात कर अपने मन की बात किया। आए हुए सभी लोगों ने एक तरफ जहां मोदी व योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बिना भेदभाव के सभी तक बराबर व एक साथ पहुंचने के लिए सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी के प्रयास से हो रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि दीदी बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि आज दीदी स्मृति से मिलने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अपने सांसद के आवास पर पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब अमेठी के मुस्लिम समाज के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में अपने सांसद के आवास पर सम्मान के साथ बुलाया गया है। अब से पहले किसी भी सांसद ने उन्हें अपने आवास पर नहीं बुलाया। इसी के तत्काल बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा सोशल मीडिया वॉलंटियर बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधते क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। असरफ माहे मऊवी जी से अंसार अहमद माहे मऊ लियाकत अली प्रधान अकरा मुइस अहमद अकरा बीडीसी सदस्य खुर्शीद अली अकरा आमिर मुन्ना जगदीशपुर भाई शहरयार खान सिठौली दिलसाद अहमद भैया सिठौली अकरम महमदपुर असरफ उर्फ भोला भैया महमदपुर जाहिद खान मुबारकपुर जुनेद अहमद कमरौली जावेद अहमद कठौरा मोहम्मद जीरान बनभरिया मोहम्मद फारूक कठौरा सबको मिलेगा। इसी क्रम में भैया मोहम्मद इस्लाम मियावा अयाज अहमद जाफरगंज मोहम्मद अंसार माहे मऊ आमिर असरफ नियावा मुफीद खान नियावा शान मोहम्मद नियावा भैया गुड्डू नियावा हारून खान के साथ भैया प्रमुख जो सुकुल बाजार से हैं उनके साथ हैदर खान प्रधान बाहरपुर मुफीद अहमद प्रधान असीरपुर सोनू प्रधान किसनी सोहराब खान प्रधान सचिन हुसैन मुन्ना पूर्व प्रधान सरैया पीरजादा एक लाख प्रधान बख्तावर नगर निहान अहमद प्रधान पूरा मोहना मोहम्मद जमील पूर्व प्रधान बदलगढ़ मोहम्मद दानिश प्रधान निवाज मदारगढ़ मोमीन बी डी सी गाजीपुर दाऊद परवेज जिला पंचायत प्रतिनिधि चौधरी अजब असद हुसैन ऊंचगांव कोट अल्ताफ हसन सरैया भाई फैजान सरैया फैसल भाई सद्दाम हुसैन मोहसिन अरसद खान कदीर हसन मोहम्मद तारे फैज हसन अंसार खान मोहम्मद मजरू। इसी के साथ साथ भाई अनवर खान बाहरपुर हफीजुल खान बाहरपुर मधईपुर प्रधान बाहरपुर इसरार बाहरपुर गजेंद्र पाल बाहरपुर समीम असीसपुर अनवर भाई असीसपुर इस्तिकार असीसपुर अल्ताफ भाई असीसपुर भाई जुबैर असीसपुर भैया रिजवान खान असीसपुर। इसी के साथ साथ भैया कदीर हसन सरैया पीरजादा मोहम्मद सलीम साहब है यहाँ पे कोई बूथ का अध्यक्ष बैठा है क्या? बूथ अध्यक्ष वो है दादा हमारा आओ ऊपर आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ कहीं का जाओ ऊपर नहीं दादा आप बैठो आप आ जाओ आप आओ
अब हम किसी आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना नापा हुआ है बेटे। आ जाओ फटाफट, बूथ का अध्यक्ष हमारा कितनी तैयारी के साथ है आपको बता दें। हमारे यहाँ 1923 बूथ है, 1900 बूथ में प्रति बूथ 50 कार्यकर्ता इंगित है। इसका मतलब जमीन से हमारा 95,000 कार्यकर्ता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर है, और किसी पार्टी का नहीं है। 40 पन्ना प्रमुख और 10 समिति के लोग, इतनी फौज है। और हमने अमेठी में जो सदस्यता अभियान चली उसमें 1,25,000 सदस्य बनाए। इसका मतलब हम ये वाला चुनाव 2,20,000 कार्यकर्ताओं की फौज के साथ लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम किसी कांग्रेस के दम नहीं है कि यहाँ पे प्रत्याशी घोषित कर दे। जो चुनाव लड़ने आएगा अमेठी में कांग्रेस की तरफ से, वो जीतने नहीं आएगा, वो कलंकित और अपमानित करने के लिए आएगा, भड़काने के लिए आएगा। वरना दम नहीं, जो डरपोक भाग गया यहाँ से किसी माई के लाल में, दम नहीं कि उसके जूते भर लेंगे। सही कह रहे हैं।